Asalaamu As Alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health. Let's start our class. Today we are going to learn about different types of symbols. Mainly, there are three types of symbols. First one is area symbols, second one is line symbols, and the last type of symbol is point symbols. We will learn about these three types of symbols. So, let's start. एरिया सिंबल्स, एरिया सिंबल्स हमें बताते हैं किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री या डिफरेंट बाउंड्रीज जो कि हमारी कंट्री में है उसके सिंबल्स जो मैप्स पर होते हैं वो एरिया सिंबल्स होते हैं ओके दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट द फीचर्स दैट कवर एरियाज सच एज कंट्रीज पार्क्स, लेक्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा यानी कि एक कंट्री में जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं पार्क लेक्स uh, नदियाँ और फॉरेस्ट जंगल जो ये हमें मैप पर शो करवाता है एरिया सिंबल द नेक्स्ट सिंबल इज़ लाइन सिंबल लाइन सिंबल किसी भी कंट्री में डिफरेंट रोड्स रेलवे ट्रैक्स पाइपलाइंस पावर लाइंस हमें शो करवाता है मैप के ऊपर डिफरेंट सिंबल्स के साथ जिस तरह आप लोग वीडियो में देख सकते हैं रोड का कौन सा सिंबल है और रेलवे ट्रैक का कौन सा सिंबल है विद दी सिंबल्स वी कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट रोड्स रिवर्स रेलवे ट्रैक्स पावर लाइंस एंड पाइपलाइंस द थर्ड सिंबल आर पॉइंट सिंबल्स दी सिंबल्स आर इंडिविजुअल साइंस यानी कि ये डिफरेंट साइंस हैं डॉट्स हैं और डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं विच वी यूज ऑन मैप एज अ पॉइंट सिम्बल दे यूज़ टू रिप्रजेंट प्लेसिस लाइक वेल्स डैम्स स्कूल्स मोस चर्चिज एंड माउंटेन पीक्स ऑन द मैप यानी कि दी सिम्बल्स टेल अस अबाउट वेल्स यानी कहाँ पर कौन सा कुआं है डैम्स डिफरेंट डैम्स के बारे में स्कूल्स के बारे में कोई भी मस्जिद चर्चेस और डिफरेंट माउंटेन पीक्स के बारे में ये सिंबल हमें बताते हैं नाउ लेट्स रीड द कलर्स ऑफ सिंबल्स कलर्स ऑफ सिंबल्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हमें ईजीली फाइंड आउट कर सके कि ये वाटर है ये माउंटेन के लिए है ये फॉरेस्ट के लिए है एज यू कैन सी इन द पिक्चर डिफरेंट कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट सिम्बल्स ऑन द मैप यूजली द कलर्स आर वेरी नियर टू रियल लाइफ कलर्स लाइक द यूज़ ऑफ ब्लू टू रिप्रजेंट वाटर यानी ब्लू कलर वाटर को रिप्रजेंट करता है येलो टू इंडिकेट सैंड येलो कलर जो है वो सैंड को यानी कि रेत को इंडिकेट करता है डेजर्ट्स में ग्रीन टू इंडिकेट वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट के लिए जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी होती है ग्रीन हम फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं ब्राउन इज़ फॉर माउंटेंस एंड रेड कलर इज़ यूज टू इंडिकेट the cities. Oh, these colors are used on maps to easily identify the features of map. Now let's do question answers from this topic. First question is how many types of symbols are right names? There are three types of symbols. first one area symbols, the second one is line symbols and the third one is poet symbols. The second question is, डिफाइंड एरिया सिम्बल्स एरिया सिम्बल्स क्या होते हैं जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा दी सिम्बल्स रिप्रजेंट द फीचर्स डेट कवर एरिया सच एज कंट्रीज पार्क लेक्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा यानी कि ये डिफरेंट बाउंड्रीज को शो करते हैं ऑन दी मैप द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन लाइन सिम्बल्स लाइन सिम्बल्स हमें किसी भी कंट्री के रोड्स रिवर्स स्ट्रीम्स पावर लाइन्स और रेलवे ट्रैक्स को शो uh, करते हैं ऑन द मैप द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइंड पॉइंट सिम्बल्स पॉइंट सिंबल्स क्या करते हैं इसका आंसर है दी सिंबल्स आर इंडिविजुअल साइंस डॉट्स ट्राइंगल्स यूज टू रिप्रेजेंट प्लेसेस लाइक वेल्स डैम्स स्कूल्स चर्चिस मॉस्क एंड माउंटेन पीक्स एक्सेट्रा ये किसी भी कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस को शो करते हैं एज अ सिंबल ऑन द मैप द लास्ट क्वेश्चन इज वट आर कलर्स ऑफ सिम्बल्स यानी कि सिंबल्स के कलर्स क्या होते हैं द यूज़ ऑफ़ कलर टू रिप्रेजेंट फीचर्स हेल्प अस इन मैप रीडिंग यानी ये मैप को रीड करने में आसानी पैदा करते हैं द यूज़ ऑफ ब्लू टू रिप्रेजेंट वाटर येलो टू इंडिकेट सैंड एंड ग्रीन टू इंडिकेट वेजिटेशन